आज हम आपको एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसमें हमें एक डॉग के इमोशंस के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। इसमें लिली नाम की एक लड़की है जिसके पास हेगन नाम का एक डॉग होता है जिसको वो छोड़ देती है। उसके छोड़ने के बाद हेगन अपनी लाइफ किस तरीके से जीता है और उसके साथ क्या क्या होता है, वो सब आपको इस फिल्म में पता चलेगा। इस अमेजिंग फिल्म को डायरेक्ट किया है कॉर्नल मुदग्रुस्को नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने। ये फिल्म बहुत अमेजिंग है, इसीलिए जल्दी से बिना समय को गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के फिल्म की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग व्हाइट गॉड। कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर जा रही थी। तभी अचानक से बहुत सारे डॉग्स का एक ग्रुप उसका पीछा करने लगता है। यहाँ से कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ पर लिली अपने डॉग हेगन के साथ एक पार्क में खेल रही थी। इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम एल्जा उसको अपने साथ ले जाने आती है। लिली की मॉम एल्जा को किसी काम से 3 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, इसीलिए वो लिली को उसके डैड डैनियल के पास छोड़ने आती है। लिली के मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है, जिस वजह से लिली अपने मॉम डैड से ज्यादा क्लोज नहीं है। वो अपना पूरा वक्त अपने डॉग हेगन के साथ ही गुजारती है। लिली के डैड डैनियल एक बुचर शॉप में मीट को काटने और चेक करने का काम करते हैं। डैनियल जब अपना काम पूरा करके बाहर आते हैं तो वो लिली और उसकी एक्स वाइफ एल्जा को बाहर खड़ा देखते हैं। एल्जा डैनियल से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, तब तक उसको लिली का ख्याल रखना होगा। लिली अपने साथ हेगन को लेकर आती है। डैनियल हेगन को देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसको डॉग कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है और जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर डॉग्स अलाउड भी नहीं है। लेकिन लिली का मासूम चेहरा देखकर वो हेगन को भी अपने साथ चलने को कहता है, जिसके बाद वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाते ही डैनियल की मकान मालिक हेगन को देख लेती है। वो बोलती है कि तुम जानते हो ना कि यहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है, जिस पर डैनियल उससे कहता है कि ये यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहेगा। अब रात में ये दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर लिली अपना खाना हेगन को खिलाने लगती है जो डैनियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद लिली हेगन को अपने साथ सुलाने को कहती है, पर डैनियल उसकी एक नहीं सुनता और हेगन को बाथरूम में बंद कर देता है, जिस दौरान पूरी रात बेचारा हेगन चिल्लाता रहता है। उस वजह से लिली और डैनियल दोनों ही नहीं सो पाते, इसीलिए लिली हेगन की परेशानी को समझते हुए उसको शांत कराने जाती है और उसको ट्रम्पेट बजाकर सुला देती है। अब अगले सुबह डैनियल के घर पर कैनाइन कंट्रोल से एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि तुम्हारी किसी ने रिपोर्ट की है और कहा है कि तुम्हारे पास एक अनरजिस्टर्ड डॉग है जिसकी तुमको फी भरनी होगी। असल में ये रिपोर्ट डैनियल की मकान मालिक ने ही की थी। डैनियल हेगन को छुपाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई डॉग नहीं है, मैं उसका टैक्स क्यों भरूं? लेकिन इतने में ही हेगन बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो आदमी उसको देख लेता है, पर अभी भी डैनियल उस आदमी की बात नहीं मानता और उसको टैक्स देने से मना कर देता है। ये सारी बातें सुन रही लिली अपने डैड को गुस्से में देखकर डरने लगती है कि कहीं वो हेगन को एनिमल शेल्टर में ना भेज दे, इसीलिए वो चुपके से हेगन को अपने साथ स्कूल में ही ले आती है और उसको अपनी म्यूजिक क्लास के रूम में छुपा देती है। लेकिन म्यूजिक की आवाज सुनकर बेचारा हेगन चलती क्लास के बीच में आ जाता है, जिससे लिली की टीचर गुस्सा हो जाती है और लिली से उसको बाहर ले जाने को कहती है, पर लिली खुद भी हेगन के साथ बाहर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसको डैनियल मिल जाता है क्योंकि लिली की टीचर ने उसको कॉल कर दिया था। वो लिली और हेगन को कार में बैठा लेता है और लिली को डांटने लगता है कि वो हेगन को अपनी म्यूजिक क्लास में क्यों लेकर गई, जिसके बाद डैनियल हेगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ने को कहता है, जिस पर लिली उसको ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो हेगन को अपने आप से अलग नहीं करेगी, जिस वजह से डैनियल को अब और गुस्सा आ जाता है और वो हेगन को वहीं पर गाड़ी से नीचे उतार देता है और घर की ओर जाने लगता है। हेगन काफी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन अंत में वो भी थक जाता है। उसी रात लिली हेगन को बाहर जाकर ढूंढने की तैयारी करती है। वो हेगन के लिए फ्रिज से खाना लेकर बाहर निकल रही होती है, पर तभी डैनियल उसको देख लेता है और उसको वापस जाकर सोने को कहता है। उधर हम हेगन को देखते हैं जो अभी तक उसी जगह पर खड़ा हुआ लिली के आने का इंतजार कर रहा है, पर ऐसे ही शाम हो जाती है और लिली वहाँ पर नहीं आती। अब एक ब्रिज के नीचे सोने के बाद जब हेगन जागता है तो उसको थोड़ी दूर चलते ही एक मरे हुए डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर हेगन समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर सतर्क होकर नहीं रहेगा तो उसका भी यही हाल होगा। धीरे धीरे अब हेगन की भूख बढ़ती जा रही थी, इसलिए खाने की तलाश में थोड़ी दूर जाने के बाद हेगन को मीट की एक शॉप दिखाई देती है। वो उस मीट को देखने लगता है, जिस दौरान उसको एक व्हाइट डॉग दिखाई देता है जिसका हेगन पीछा करते हुए मीट शॉप के पीछे चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स
दुकान का बचा हुआ मीट खा रहे थे, लेकिन जब हेगन उस मीट को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो सभी डॉग्स उस पर भौंकने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर मीट शॉप वाला आदमी बाहर आकर सबको भगा देता है। लेकिन हेगन वहीं पर खड़ा रहता है और उस शॉप वाले पर ही भौंकने लगता है। ये देखकर शॉप वाले को गुस्सा आ जाता है। ये देखकर हेगन मीट शॉप के अंदर जाकर छुप जाता है, पर वो उसको देख लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। इस दौरान वहाँ पर वो व्हाइट डॉग आ जाता है, जो हेगन को बचाने के लिए उस शॉप वाले पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वहाँ से बचकर हेगन उस व्हाइट डॉग के साथ एक पुरानी और सुनसान जगह पर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स पानी में खेल रहे हैं। उन सबको देखकर हेगन भी उनके बीच घुलने मिलने की कोशिश करता है, पर वो सब उस पर भौंकने लगते हैं, जिस वजह से वो वापस व्हाइट डॉग के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ उसका सिर्फ वही एक दोस्त है। अगले दिन सुबह डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आते हैं और उन सभी डॉग्स को पकड़ लेते हैं। ये देखकर हेगन और वो व्हाइट डॉग जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, पर इसके बाद भी दो लोग हेगन को घेर लेते हैं। हेगन को लगता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, इसीलिए वो उनसे दूर जाने की जगह उनके पास जाने लगता है, पर तब ये देखकर व्हाइट डॉग भौंकने लगता है, जिससे हेगन समझ जाता है कि यहाँ पर उसको खतरा है। वो फौरन वहाँ से भागने लगता है, वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। इस दौरान हेगन व्हाइट डॉग से भी अलग हो जाता है और छुपने की कोशिश करता है, तभी उसको एक बेघर आदमी अपने पास छुपा लेता है। उन आदमियों के जाते ही वो आदमी हेगन के गले में जबरदस्ती रस्सी डाल देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डैनियल लिली को म्यूजिक टीचर के पास ले जाता है और लिली को उनसे माफी मांगने को कहता है। यहाँ पर लिली ऊपर के मन से माफी मांगते हुए ये कहती है कि वो अब से हेगन को नहीं ढूंढेंगी, पर क्लास खत्म होते ही वो हेगन को ढूंढने निकल जाती है। वो जगह जगह उसके खो जाने के पोस्टर्स लगाती है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर वो बेघर आदमी हेगन को एक होटल के मालिक को बेच देता है। दरअसल ये होटल का मालिक एक डॉग डीलर है। इसके पास यहाँ हेगन जैसे बहुत सारे डॉग्स हैं, जिन्हें इसने अंदर बंद रखा है। अगले दिन इस डीलर के पास सबोल्ट नाम का एक आदमी डॉग खरीदने आता है। वो डीलर इस आदमी को सबसे डेंजर डॉग्स दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी सबोल्ट को हेगन पसंद आता है, जिस पर वो डीलर उससे कहता है कि ये डॉग इतना ताकतवर नहीं है, ये आपके फाइट क्लब में नहीं लड़ पाएगा। उसके ऐसा कहने के बावजूद भी सबोल्ट हेगन को खरीद लेता है। वो हेगन को कुछ बेहोशी की गोलियां खिलाता है और उसको अपने साथ उठाकर घर ले आता है। सबोल्ट हेगन को प्रोटीन खिलाता है और साथ ही उसको चाबुक से भी पीटता है, ताकि हेगन ताकतवर गुस्सैल और खूंखार डॉग बन सके। दरअसल ये आदमी एक डॉग की दूसरे डॉग से फाइट कराता है, जिसे ये फाइट क्लब कहते हैं। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब हेगन बहुत ज्यादा खूंखार और ताकतवर बन चुका है। उसके दांत भी पहने हो गए हैं। अब हेगन फाइट क्लब में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी बीच हम लिली को देखते हैं, जो अभी तक हेगन को ढूंढ रही है। वो एनिमल शेल्टर वाली एक लेडी के पास जाती है और उसको हेगन का पोस्टर दिखाते हुए उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हारा डॉग अब तक शायद मर चुका होगा, क्योंकि यहाँ रोड पर डॉग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। इन दोनों की बातों के बीच में कोई लिली की साइकिल चुरा लेता है, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पाती। उधर सबोल्ट हेगन को फाइट क्लब में ले आता है। यहाँ पर दो डॉग्स को एक दूसरे से तब तक लड़ाते हैं जब तक दोनों में से एक जिंदा ना बचे। जिंदा रहने वाले डॉग को विजेता माना जाता है। इन डॉग फाइट्स पर लोग काफी बड़ी बड़ी बिट्स लगाते हैं, जिससे डॉग के ओनर को फायदा होता है। अब हेगन का वजन तोलने के बाद उसकी फाइट भी एक ब्लैक कलर के खूंखार डॉग से कराई जाती है। शुरुआत में तो हेगन उस डॉग से थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन बाद में वो उस डॉग की गर्दन को फाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखकर सबोल्ट बहुत खुश होता है। तभी उससे एक आदमी हेगन को बेचने के लिए कहता है, जिस पर वो उसको मना कर देता है, लेकिन वो आदमी हेगन को खरीदने की जिद करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इतने में यहाँ की लाइट भाग जाती है, जिसका फायदा उठाकर हेगन यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं, जो साइकिल चोरी होने की वजह से पैदल दौड़ते हुए घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में वो अपनी म्यूजिक क्लास के एक स्टूडेंट पीटर से टकरा जाती है, जो एक पार्टी क्लब में जाने वाला है। लिली उससे कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि वो अभी घर नहीं जाना चाहती। पीटर शुरुआत में तो उसको मना कर देता है, लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि लिली उसकी नशे की दवाई अंदर ले जा सकती है। वो लिली को उसकी नशे की दवाई अंदर ले जाने को कहता है, जिसके बदले वो उसको भी अंदर ले जाएगा। अंदर जाते वक्त सबकी चेकिंग होती है, सिवाय लिली के, क्योंकि वो अभी एक बच्ची है। अंदर जाकर पीटर उससे अलग हो जाता है और लिली भी यहाँ पर सबकी देखा देख ड्रिंक करने लगती है, जिससे वो रात को वहीं सो जाती है। सुबह वहाँ पर पुलिस आकर उसको उठाती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि लिली की पॉकेट से नशे की दवाई मिली थी, इसीलिए उसका नशे का टेस्ट होता है, जो कि नेगेटिव आता है।
तभी डैनियल वहां जाता है और लिली को देखकर रोने लगता है क्योंकि उसको लगा था कि शायद कल रात को उसने अपनी बेटी को खो दिया है। वो लिली से माफी मांगता है क्योंकि उसने हेगन को उससे दूर कर दिया। वो लिली से एक नया डॉग अडॉप्ट करने को कहता है जिस पर लिली कहती है कि अब उसको कोई डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। इसी बीच हेगन फिर से उस तालाब के पास पहुंच जाता है जहां उसे फिर से उसका दोस्त व्हाइट डॉग मिलता है। ये दोनों मिलकर खाना ढूंढने लगते हैं पर उतने में ही अचानक से फिर से वहाँ पर डॉग्स को पकड़ने वाले आ जाते हैं जो इन दोनों को पकड़कर एनिमल शेल्टर में ले जाकर बंद कर देते हैं। वो लोग हेगन के पैर की चोट को भी ठीक कर देते हैं। वहाँ पर इनको लेने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। एक लड़की को हेगन पसंद आ जाता है, वो उसको लेने ही वाली होती है, पर जैसे ही वो उसके पिंजरे के पास जाती है हेगन उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर शेल्टर की मालिक हेगन को इन सब डॉग से अलग रखने को कहती है। वहीं दूसरी ओर आज लिली के स्कूल में एक कॉन्सर्ट होने वाला था जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली है। डैनियल भी लिली को सपोर्ट करने वहां आता है। इधर हेगन को वर्कर्स दूसरे डॉग के साथ पिंजरे में रख रहे होते हैं। इस दौरान हेगन अपने गले के पट्टे को तोड़ देता है और उस वर्कर की गर्दन पर हमला करके उसको मार देता है। इसके बाद सभी पिंजरों से सारे डॉग्स आजाद हो जाते हैं और हेगन को अपना लीडर मानकर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। इस दौरान शेल्टर की मालिक भी हेगन को रोकने की कोशिश करती है पर वो भी बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद सभी डॉग्स पूरे शहर में फैल जाते हैं जिससे शहर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सब खौफ में आ जाते हैं। सभी डॉग्स अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों के सामान पर हमला करते हैं जिस वजह से पूरे शहर को लॉक करने को कहा जाता है। साथ ही इनमें से कुछ डॉग्स लिली के कॉन्सर्ट वाले बिल्डिंग में चले जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसकी वजह से सभी लोग अपने आप को एक जगह पर लॉक कर लेते हैं। इस बीच लिली को लगता है कि सभी डॉग्स में उसका हेगन भी मौजूद होगा, इसीलिए वो बाहर जाने को कहती है, जिस पर उसका दोस्त पीटर ना चाहते हुए भी उसको बाहर ले जाता है और उसको अपनी साइकिल दे देता है। वो साइकिल पर हेगन को ढूंढने निकल जाती है जिस बीच सड़क पर बहुत सारे डॉग्स उसके पीछे आते हैं और लिली को नीचे गिरा देते हैं, पर उनमें से कोई भी डॉग लिली पर हमला नहीं करता बल्कि वो सभी उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं। उधर हेगन उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने उसे सबॉल्स को बेच दिया था। दरअसल वो उन सभी लोगों से अब बदला ले रहा है जिन्होंने उसको चोट पहुंचाई है। देखते ही देखते सभी डॉग्स उस आदमी को काट काट कर जान से मार डालते हैं। इतने में ही वहाँ पर लिली भी पहुँच जाती है जिसको पुलिस उस जगह पर होने के लिए पकड़ लेती है, पर वो उनको चकमा देकर भाग जाती है जहाँ उसको पुलिस वालों से पता चलता है कि वो सभी हेगन और बाकी डॉग्स को गोली मारने वाले हैं। ये जानने के बाद लिली हेगन को बचाना चाहती है। वो उस मीट वाले की शॉप पर पहुंचती है जिसने हेगन को मारने की कोशिश की थी। वो देखती है कि हेगन ने उसको भी जान से मार दिया है। यहाँ पर अब लिली को समझ आ जाता है कि हेगन उन सभी लोगों से बदला ले रहा है जिन्होंने उसको तकलीफ पहुंचाई है। वो फौरन अपने डैड को फोन करती है। वो उनको सारी बात बताती है और सतर्क रहने को कहती है क्योंकि उन्होंने भी हेगन को चोट पहुंचाई है। उधर हेगन सबॉल्स के घर तक पहुंच जाता है और सभी डॉग्स मिलकर उसको भी बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। हेगन उसकी मौत का तमाशा बड़े मजे से देख रहा होता है जहां पुलिस वाले कुछ डॉग्स को घेर कर गोली मारने लगते हैं। दूसरी ओर लिली को हेगन का दोस्त व्हाइट डॉग दिखाई देता है जो उसे अपने पीछे हेगन के पास तक ले जाने लगता है, लेकिन बीच में ही एक आदमी आकर उसको गोली मार देता है। लिली उसको बहुत कहती है कि प्लीज इसको मत मारो, लेकिन वो डॉग पकड़ने वाला आदमी उसको जान से मार डालता है। पूरे शहर को लॉक कर दिया जाता है। लिली वापस अपने घर आ जाती है जहां वो मकान मालिक को मरा हुआ देखकर पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि हेगन उन सभी को मार रहा है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है। उसको समझ आ जाता है कि उसका अगला शिकार उसके फादर होंगे क्योंकि उन्होंने ही उसको लिली से दूर करके बीच रास्ते पर छोड़ दिया था। लिली अपने फादर के पास जाने के लिए निकल जाती है। उधर डैनियल भी लिली की जान बचाने के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगता है। इसी बीच नीचे गली में हेगन और बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं जो लिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिली हेगन से बात करने की कोशिश करती है पर हेगन उस पर भौंकने लगता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब शायद हेगन लिली को अपना दोस्त नहीं मानता, उसे उस पर भरोसा नहीं रहा। वो लिली पर हमला करने ही वाला होता है पर इतने में ही डैनियल एक फायर गन ले आता है और उन डॉग्स को डराने की कोशिश करता है जिससे सब डॉग्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये देखकर लिली हेगन को शांत करने के लिए अपना ट्रम्पेट बजाती है और ट्रम्पेट की आवाज सुनकर हेगन शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी देखा देख सभी डॉग्स शांत होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस चीज को देखकर डैनियल भी समझ जाता है कि अब लिली सेफ है। लिली भी सभी डॉग्स की तरह उनके सामने जमीन पर बैठ जाती है। हेगन और लिली एक दूसरे को देखने लगते हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर
खत्म हो जाती है। वेल, डॉग्स के इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो अगर किसी इंसान के साथ जुड़ गए तो वो उसे अपनी पूरी वफादारी से निभाते हैं। ये तो बात थी हेगन की, जिसको एंड में लिली का प्यार मिल गया, लेकिन उन स्ट्रीट डॉग्स का क्या जिनको खाना तक नसीब नहीं होता। आज मैं आपसे ना तो इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहूँगा, ना ही लाइक करने के लिए, बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग्स को फीड जरूर करें। बाकी अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा। लेट्स मेक अ कम्युनिटी और रिजोल्यूशन कि हम आज से अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग्स को फीड जरूर करेंगे। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।